Hello student, good morning everybody. Today I am going to discuss remaining question of exercise 7.1, question number 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, ये नंबर से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. फर्स्ट नंबर 243. सो लेट अस डिफाइन. एक्सरसाइज 7.1 सेकेंड नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 243. ये जो 243 ये जो नंबर है एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. तो फिर ये 243 से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. तो सबसे पहले 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 243 इज डिविजिबल बाय 3. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. 81 इज डिविजिबल बाय 3. 3 2 जा 6, देन 3 7 जा 21. 27 इज डिविजिबल बाय 3. 3 9 जा 27. 9 इज डिविजिबल बाय 3. 3 3 जा 9. अगेन 3 इज डिविजिबल बाय 3. 3 1 जा 3. 243 that is equal to how many times 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 3. So, वही लिखिए. 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 243 equal to 5 times 3. बाद में आपको क्या करना है? 3 factor का group बनाना. तो हर group में 3 कितने बार आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए. तो फिर ग्रुप बनाए, एक बार बना तो 1 2, तो और एक बार बन नहीं पाए. तो और एक बार बनने के लिए और एक बार 3 चाहिए. तो फिर 243 को अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो नंबर बनेगा वही परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. तो वही लिखिए. Here, the prime factor three does not appear in a group of 3. तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर 3 है उसका ग्रुप बन नहीं पाया. तो मैंने वही लिखा, हियर द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3. सो दैट मीन्स 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. तो फिर अगर 243 को मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो नंबर बनेगा परफेक्ट क्यूब होगा. तो वही लिखिए, 243 इंटू 3. सो दैट इज इक्वल टू 243 दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो बाद में 3 लिखिए इंटू 3. तो अभी 243 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए. 243 इंटू 3. 3 3 जार 9. 3 4 जार 12, राइट डाउन 2 कैरी 1. 3 2 जार 6 प्लस 1 दैट इज कॉल्ड 7. 729.
729 is a perfect cube. So 729, that is equal to 3 to the power 3 into 3 to the power 3 3 cube into 3 cube. So we'll like thus 3 the smallest number by which then next come to the second number, that is 256. 256 जो है वह perfect cube नहीं है. तो फिर ये 256 से कौन सा smallest number multiply करने से जो number बनेगा वह perfect cube number होगा. तो सबसे पहले 256 का prime factorization करते. 256 divided by 2, that is 2 1 0 2 2 2 0 4 2 8 0 16. 128 is divided by 2 2 6 0 12 2 4 0 8 64 is divided by 2 2 3 0 6 2 2 0 4 32 is divided by 2 2 1 0 2 then 2 6 0 12 16 is divided by 2 2 8 0 16. Eight is divided by 2, 2 4 0 8, 4 is divided by 2, 2 2 0 4, again 2 is divided by 2, 2 1 0 2. So 256, that is equal to how many times to 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 times 2. So write down 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 256 equal to 8 times 2. तो फिर बाद में क्या करना, ये जो prime factor 2 है उसका group बनाना. तो हर group में 2 कितने बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए. तो फिर ग्रुप बनाइए, 1 ग्रुप, देन सेकंड ग्रुप, लेकिन और एक ग्रुप बन नहीं पाया. तो और एक ग्रुप बनने के लिए 2 और एक बार जरूरत है. तो फिर ये जो नंबर 256 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. तो वही लिखिए, हियर द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर in a group of 3, so that means 256 is not a perfect cube. 256 is not a perfect cube. तो फिर अगर मैं 256 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. तो वही लिखिए, 256 into 2. सो 256 दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स 2 2 इंटू 2
टू इंटू टू, टू इंटू टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इंटू टू, बाद में टू में मल्टीप्लाई करना इंटू टू, सो 256 इंटू टू, तो 256 को टू में मल्टीप्लाई कीजिए, 256 इंटू टू, सो 2 6 12 राइट डाउन टू कैरी वन, 2 5 10 प्लस वन 11 राइट डाउन वन कैरी वन, 2 2 4 प्लस वन दैट इक्वल 5, 512. So that means 512 is a perfect cube number. So 512 that is equal to 1 2 3, so that is equal to 2 cube into 2 cube into 2 cube. So we likhiye, thus two is the smallest number. Two is the smallest number by which must be multiplied to get a perfect cube. Then next come to the third number, that is 72. तो ये number जो 72 है, एक perfect cube number नहीं है. तो फिर ये 72 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. तो सबसे पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, सेवेंटी टू इज डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 2 3 6, देन 2 6 12, सो 36 इज डिवाइड बाय 2 2 1 2, देन 2 8 16, देन 18 इज डिवाइड बाय 2 2 9 18, 9 इज डिवाइड बाय 3 3 3 9, अगेन 3 इज डिवाइड बाय 3 3 1 3, सो 72 दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स टू, 3 टाइम्स 2, 2 into 2 into 2, then how many times 3, 2 times 3, 3 into 3. बाद में हर फैक्टर का ग्रुप बनाए, तो हर ग्रुप में तो एक फैक्टर कितने, हर फैक्टर कितने बार आना चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए. तो फिर ग्रुप बनाए 1 2 3, बाद में 3 का ग्रुप बन नहीं पाया, तो 3 को बनने के लिए और एक बार 3 चाहिए. तो फिर अगर मैं 72 को 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. तो वही लिखिए, हियर द प्राइम फैक्टर here the prime factor 3 does not appear in group of 3, in a group of 3, that means 72 is not a perfect cube. So we likhe 72 is not a
इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो फिर अगर 72 से मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो वही लिखिए 72 × 3, सो दैट इज इक्वल टू 72 मीन्स 3 × 2, 2 × 2 × 2, एंड 2 × 3, 3 × 3 मल्टीप्लाई 3। सो 72 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 72 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, 216 इज ए परफेक्ट। तो फिर 2 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, दैट इज 2³ × 3³। तो वही लिखिए 3 द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। देन नेक्स्ट कम टू द फोर्थ नंबर, दैट इज 675। 675 जो नंबर है वह परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो फिर ये नंबर में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो सबसे पहले 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 675 इज डिवाइड बाय 3, दैट इज 3² = 6, 3² = 6, 3² = 15, 225 इज डिवाइड बाय 3, 3² = 21, देन 3² = 15, 75 इज डिवाइड बाय 3, 3² = 6, 3² = 15, 25 is divided by 5, 5² = 25, 5 is divided by 5, 5 × 5, 675 equal to how many times 3? 3 × 3, 3 × 3 × 3, into how many times 5? 2 × 5, 5 × 5। बाद में हर प्राइम फैक्टर का ग्रुप बनाए, तो हर ग्रुप में हर फैक्टर कितने बार आना चाहिए? 3 times आना चाहिए, 1, 2, 3, तो 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन 5 का ग्रुप बन नहीं पाया। तो फिर 5 का ग्रुप बनने के लिए और एक बार 5 चाहिए। तो फिर 675 को अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो वही लिखिए हियर द प्राइम फैक्टर हियर द प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर फाइव डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3। सो दैट मीन्स 675
is not a perfect cube. तो फिर अगर 675 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा जो नंबर बनेगा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो वही लिखिए 675 इंटू 5. तो 675 दैट इज कॉल्ड 3 times 3 एंड 2 times 5, तो वही लिखिए 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5. तो अभी 675 को 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 675 × 5, 5 × 5 = 25, राइट डाउन 5 carry 2, 5 × 7 = 35 + 2, 37, राइट डाउन 7 carry 3, 5 × 6 = 30 + 3, 33, 3375 is a perfect cube. So that is 3³ × 5³. So thus 5 is the smallest number.5 is the smallest number by which 675 must be multiplied to get a perfect cube. Then next comes the fifth number, that is 100. तो फिर ये 100 जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. तो फिर ये नंबर में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. तो सबसे पहले 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 100 इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50. 50 is divided by 2, that is 25. 25 is divided by 5, 5 × 5 = 25. Then 5 is divided by 5, 5 × 1 = 5. So 100, that is called how many times 2? 2 times 2, 2 × 2. Then how many times 5? 2 times 5. तो वही लिखिए. बाद में हर फैक्टर का प्राइम फैक्टर, हर फैक्टर का ग्रुप बनाए. तो हर ग्रुप में हर फैक्टर कितने कितने बार आना चाहिए? 3 times आना चाहिए. तो 2 का ग्रुप बनाए, 2 का ग्रुप बन नहीं पाया और 5 का भी ग्रुप बन नहीं पाया. तो फिर वही लिखिए, कौन सा नंबर का कौन सा फैक्टर ग्रुप बन नहीं पाया. तो वही लिखिए, हियर द प्राइम फैक्टर द प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 डू नॉट अपीयर in a group of 3. तो यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर 2 का ग्रुप बन नहीं पाया और 5 का भी ग्रुप बन नहीं पाया. तो फिर अगर मैं 100 में 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो नंबर बनेगा, तो फिर वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा.
तो वही लिखिए, सो 100 इज नॉट ए परफेक्ट परफेक्ट क्यूब। तो अगर मैं 100 में 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर। तो वही लिखिए 100 इंटू 10, तो 100 के बदले में क्या लिखूँ, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। टेन इक्वल टू, टेन मीन्स दैट इज 2 × 5। सो अभी 100 को 10 में मल्टीप्लाई कीजिए, 100 को 10 मल्टीप्लाई कितना होता है, दैट इज 1000। सो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, दैट इज इक्वल टू। तो अभी 2 कितने बार आया, 3 टाइम्स, और 5 भी कितने बार आया, 3 टाइम्स। अभी 2 का भी ग्रुप बन गया और 3 का भी, सॉरी 2 का भी ग्रुप बन गया और 5 का भी ग्रुप बन गया, दैट इज 2³ × 5³। सो दस 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब।